विश्व का कल्याण करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। बाबा से बात क्या करूं, अर्जी लगा रखी है। हम उससे पूछेंगे जो हमारे कष्ट है उनका निवारण करें वो। सबके लिए बाबा है तो हम भी आए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और हम आज मौजूद हैं नोएडा के जैतपुर में, जहां बाबा का दरबार सज चुका है। आज दूसरा दिन है बाबा के दरबार का। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, दरबार पूरी तरीके से बाबा का सज चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री 5 बजे यहां पर आने वाले हैं और आसपास आप अगर देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी की जो पूरी जनता है, श्रद्धालु जो है, वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से श्रद्धालु बाबा के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। ये तो मैंने अभी आपको आधी जनता दिखाई है, आधी जनता तो अभी आना बाकी है। ये सब धीरेन्द्र शास्त्री की झलक देखने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, उनसे अपने परेशानी बताने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को उम्मीद है, मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करी तो कुछ लोगों को तो ये भी उम्मीद है कि उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं और उनके बच्चे हैं या फिर उनके परिवार में उनके परिजनों को जो भी रोगग्रस्त है या उन्हें कोई परेशानी है, वो बाबा से बात करने के बाद ठीक हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही बेसब्री से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, बाबा का इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे बाबा आएंगे दरबार में, बाबा बैठेंगे और लोग अपनी पर्ची लगाएंगे और बाबा से बात करेंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे। देखिए, अगर आप देखें सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह आपको देखेंगे, आपको यहाँ पे पुलिस आपको हर जगह नजर आएगी, वॉलंटियर्स यहाँ पे कोने कोने में खड़े हुए हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पे खासा ख्याल रख रहे हैं कि किसको कहाँ पर बैठाना है, जनता को किधर किधर बैठाना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई परेशानी ना हो किसी को। तो हर तरीके से यहाँ पे सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। वहीं लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या अरदास लेके वो बाबा के पास आए हैं, उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं बाबा से और कौन कौन है जो बाबा को सिर्फ एकमात्र एक झलक बाबा को देखने आया है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं। तो बाबा का इंतजार है, बाबा का इंतजार है। कितने बजे आने वाले? अभी 4 बजे का बता रहे हैं। बाबा आएंगे तो कोई अरदास है बाबा से, इंतजार है बाबा बहुत नंबर वन चीज है विश्व का। कैसे? विश्व का कल्याण करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। नागेश्वर बाबा विश्व का कल्याण करें, सत्य बात है ये। एक झलक आप बाबा के देखने के लिए? ये सब जो है, ये सब देखने वाले बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया महात्मा हैं, संत हैं, एक तरह के भगवान। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है बाबा पे? बिल्कुल बालाजी पे पूरा विश्वास है, 200% इतना विश्वास है कि उधर बैठवा दो, परेशान है गर्मी में बहुत ज्यादा। भीड़ खुद बता देगी कि कितना विश्वास है। तो देखा आपने कैसे श्रद्धालु जय श्री राम के लगातार नारे लगा रहे हैं और सिर्फ बाबा की, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाबा को सिर्फ देखने आए हैं, पूरा विश्वास हमें बाबा पे है, एक झलक हमें बाबा की दिख जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो और लोगों से भी बात करेंगे, लोगों की परेशानियां भी जानने की अब कोशिश करेंगे। बाबा से कोई अरदास है, कोई ख्वाहिश है, क्या लेकर आई है, कौन सी बात बाबा से? अरदास ये कि हमारी हाजिरी लग जाए। अच्छा, सिर्फ मिलना है, आप एक झलक बाबा की देखना है, उनके दर्शन करने और ये हमारी अर्जी लग जाए। अर्जी लग जाए बाबा की, अर्जी लगवानी, अर्जी लग जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। तो अगर मान लीजिए पर्ची लगती है, अर्जी लगती है, क्या बात करेंगी बाबा? हम उससे पूछेंगे जो भी हमारे कष्ट है उनका निवारण करें वो, तो वो ही तो जानना हमसे, क्योंकि वो हमारे बताएंगे नहीं बताएंगे। जैसा हमने देखा अब तो टीवी पे देखते आए हम कि वो सबका बता दे, तो हमें भी यही देखना कि वो हमारा बताएंगे नहीं बताएंगे। भरोसा आपको है बाबा? बहुत भरोसा है हमें। हाँ बेटा, बहुत भरोसा हो बात, इतना विश्वास है, बहुत विश्वास। तरह का भगवान का रूप है उनका, ये बालाजी का रूप है क्या बाबा? हाँ जी, रूप लगता लगता। क्या मांगेंगे? 5 बजे बाबा के दरबार में इसी के लिए आई है। क्या परेशानी है? कुछ समझ नहीं पाती है, बोल भी नहीं पाती है, अपना क्रियाकलाप भी नहीं कर पाती है, इसीलिए। अस्पताल में कहीं इलाज चल रहा है? हाँ, बहुत जगह देखा है, कोई इसको फायदा नहीं, नहीं फायदा नहीं। तो आपको लगता है कि बाबा से बात करेंगे तो? अब देख रहे हैं, जब सब जी, अब सबके लिए बाबा है तो हम भी आए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 19 साल के हैं। कितने? 19 साल के हैं जी। बाबा इस पे कृपा बनाएंगे आपको लगता है? आए हैं दरबार में, देखते हैं उनका कृपा होगा तो करिए देंगे, बता देंगे। हाँ, नहीं हो, उम्मीद के साथ आप आए? हाँ, उम्मीद के साथ आए जी। जी, दुआ करते हैं। जाने नहीं देते, कहाँ से आप आए? आए हैं हम बदरपुर से। हाँ जी, क्या परेशानी?
परेशानी है, लड़का हमें छोड़ के चला गया, अब हम अकेले हैं, वो अपनी बहू को लेके अलग रहता है। अच्छा, छोड़ दिया? हाँ नहीं दे, हमें छोड़ दिया ना, देता लेता है, हम ही दोनों आदमी हैं घर के। कोई कमाने वाला लोग, पेंशन मिलती है 2500 रुपये, प्लाट है 50 गज का, बस अब कुछ सांस की बीमारी है। तो बाबा के पास आप यही अपनी परेशानी लेकर आए हैं? हाँ परेशानी है, परेशानी ये क्या, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता, सांस की बीमारी है मातुल, अब शरीर अब कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है, कोई बता दो अगर वो लड़का आ जाओ वापस तो। अच्छा, बाबा से आप ये पूछेंगे कि आप अपने लड़के को वापस कैसे बुला सकते हैं? मैं नहीं बुला, मेरी इच्छा नहीं है बेटा, बहू बहुत खराब है, खराब है आपकी नहीं बोलती है, आलिया देखे करती है। हाँ इनको कहती है ओए बुड्ढे। अच्छा, नहीं बुला। इस बात से आप परेशान है, बाबा से क्या अगर पर्च, क्या बाबा से बात करेंगे? तीन चार साल होगी बेटा, तीन चार साल हुई थी उसमें, 2020 में हुई थी। हाँ 2020 में हुई थी, लगे हुए थे। हाँ बेटा क्या कहता है? बेटा का भी नहीं है, बेटा उसकी तरफ ही हो जाता है, हो गया वैसे ही है, कहीं 9-10 हज़ार का नौकरी करता है, हमारे पास आ जाता है, फिर वो आ जाती है तो फिर उसके पास चला जाता है, नहीं हमारे को खर्च। बाबा से बात हुई, बाबा पे पर्चे लगी तो क्या, बाबा से बात क्या करूँ, अर्जी लगा रखी है, अब इनको बाथरूम जाने नहीं देते, आने नहीं देते, इनको बार बार बाथरूम की बीमारी है, सांस की बीमारी, सांस की भी बीमारी है, घर में सत्संग करेंगे, सुन रहे बाबा सत्संग करेंगे, अर्जी सुन रहे। हाँ मत आप रोई, परेशान मत हो, अब आप बाबा के पास आ गए, आपका इतना विश्वास है, इतना यकीन है बाबा पे, तो आप अपनी परेशानी बताइएगा। आज बुलाएंगे जब ही तुझे बताऊंगी, ना बुलाए तो मैं घर चली जाऊंगी फिर बेटा, इनको लेके बीमार है ना, रात को बाथरूम लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ आऊंगी, कोई बात नहीं, आएंगे तो परेशानी बताइएगा। अर्जी से लगा रखी है घर में भी, हाँ उनका सुमरन भी करते हैं, अर्जी भी लगा रखी है। हाँ अब ये भाई हमारे को कोई पास मिल जाएगा तो हम दोबारा आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं। तो बाबा जी ने आज बुला लिया, उनके आगे यही अरदास है, बाबा जी हमें आज बुला लेना, फिर हमारे बस की नहीं है, 70-70 साल के हो रहे हैं बेटा हम। हाँ नहीं नहीं, अगर देखेंगे तो ज़रूर आपको आज बुला लेंगे, आप अगर नहीं भी, आपकी कहाँ से आई हैं? हम अलीगढ़ से, अलीगढ़ से आई हैं बाबा से मिलने, कोई अर्जी बाबा से क्या बात करें? अर्जी नहीं करी, पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, सिर्फ दर्शन करने, दर्शन करने आए, और बाबा तो आप ही से हम दर्शन से ही कष्ट काट देते हैं सबके, इतना विश्वास है आपको? हाँ बाबा को विश्वास, बस हम टीवी पे देखते रहे बाबा, और जो होगी हमारे दिल में, और बाबा सुन लेंगे, दिल से सुनते हैं सबको।